क्रिकेट का मैदान हर गेंद और हर रन के साथ एक कहानी सुनाता है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ दिलचस्प होती जाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट क्रिकेट की भी कहानी कुछ ऐसी है जो अरसाए दराज से शायकीन क्रिकेट के दिलों में गूंज रही है। 1999 के वर्ल्ड कप का वो तारीखी वाकया जब बांग्लादेश ने तारीखी फतह हासिल की। 1999 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मजबूत समझे जाने वाले पाकिस्तानी टीम को एक बहुत बड़े अपसेट से शिकस्त देकर दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया। He's gone, it is over. Well, the crowd was right, that's out. Pakistan all out for 161 in the 45th over. Look at the jubilation there. ये वो लम्हा था जब बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने दुनिया क्रिकेट में खुद को मनवाया। इस कामयाबी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम को ICC की जानिब से मुकम्मल रुकनियत हासिल हुई और इसी से ही बांग्लादेश के क्रिकेट का एक नए दौर का आगाज हुआ। 6 सितंबर 2003 मुल्तान का तारीखी ग्राउंड जहां बांग्लादेश एक तारीख रकम करने के बिल्कुल करीब था। पाकिस्तान 262 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान के 164 के स्कोर पर 7 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे और पाकिस्तान की शिकस्त साफ नजर आ रही थी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी इंतजामुल हक कुछ और ही सोच के मैदान में उतरे थे। उनकी तहमुल बैटिंग और जाराना मिजाज स्ट्रोक के बदौलत पाकिस्तान टीम ने इस मैच को बचा लिया और पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुई, जबकि बांग्लादेश का ख्वाब अधूरा रह गया। मुल्तान के तारीखी ग्राउंड में सख्त मुकाबले के बाद बांग्लादेश को अपनी पहली टेस्ट फतह हासिल करने के लिए 23 साल का इंतजार करना था। आखिर 2024 में वो दिन आ ही गया जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड में तारीखी शिकस्त से दोचार किया और ये तारीख रकम कर दी। रावलपिंडी की वो पिच जिसे पाकिस्तान के गेंदबाज नासाजगार और नामुनासिब पिच समझ रहे थे, जबकि इस पिच पर बांग्लादेश के नौजवान गेंदबाजों ने महारत से बॉलिंग करके पिच को साजगार बनाया और अपनी टीम को फतह से हमकनार कर दिया। ये गुज़िश्ता एक साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तनज़ुली की कहानी है। वर्ल्ड कप 2023 में, एशिया कप में और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई थी और इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में होम सीरीज के अलावा बैनुल अक्वामी मुकाबलों में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के जो मद्दा हैं वो भी नाखुश नज़र आते रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दरमियान ये टेस्ट क्रिकेट की कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि एक नए दौर का आगाज़ है जो मुस्तकबिल में नाकाबिल फरामोश लम्हात के साथ जारी रहेगा। क्रिकेट का मैदान भी हमेशा से ही हैरान कुन रहे हैं और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की ये फतह भी हमें ये पैगाम देती है कि कोई भी ख्वाब अगर हासिल करना हो तो वो नामुमकिन नहीं होता, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपनी साख बहाल करने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम करने की अशद ज़रूरत भी है।